नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हाँ सुरिंदर सिंह, ते तुसी वेख रहे हो प्राइम टाइम। प्राइम टाइम दे विच अज असी गल करांगे कांग्रेस पार्टी वालों चुने गए नवे प्रधान दी। लंबे अरसे बाद अजिहा मौका आया जद कांग्रेस नूं गैर गांधी परिवार नाल संबंधित प्रधान मिलिया, ते नाल ही गल करांगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वालों गुजरात भारत पाकिस्तान दे सरहद दे नेड़े रखे गए नवे फौजी हवाई अड्डे दे नींह पत्थर दी। ते इस तों इलावा गैंगस्टर दीपक टीनू नाल जुड़ी वड्डी खबर दिखाई जाएगी, ते नाल ही बठिंडा दे विच खालिस्तान जिंदाबाद दे लाए गए पोस्टरां नूं वी लैके चर्चा की जाएगी। ते आओ शुरुआत करदे आं अज दे प्राइम टाइम दी। ते आओ सब तो पहला कांग्रेस पार्टी नाल जुड़ी हुई खबर वल रुक करदे आं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी नूं लंबे अरसे बाद गैर गांधी परिवार नाल संबंधित नवा प्रधान मिल गया। 80 साल मल्लिकार्जुन खड़गे नूं कांग्रेस दा नवा प्रधान चुनिया गया। खड़गे ने सीधे मुकाबले दे विच शशि थरूर नूं वड्डे फर्क दे नाल हराया। इस चोन प्रक्रिया दे विच मल्लिकार्जुन खड़गे नूं 3897 वोटां मिलदियां ने, ते जदकि शशि थरूर नूं सिर्फ 1072 वोटां मिलदियां ने। पिछले 24 सालां दे विच पहली वार होया कि गांधी परिवार तों बाहर दा कोई नेता प्रधान दे अहुदे ते पहुंचिया। इस तो पहला सीताराम केसरी अजिहे प्रधान सन जो गांधी परिवार दे नहीं सन। उधर खड़गे ने जित तो बाद शशि थरूर दे भी उन्हां नूं जित दी वधाई दित्ती। कांग्रेस पार्टी दे 137 साल दे इतिहास दे विच 6वीं बार प्रधान दे अहुदे लई चोणां होईआं सन, ते प्रधान दे अहुदे लई इस तो पहला 1939, 1950, 1977, 1997 अते 2000 दे विच चोणां हो चुकीआं हन। पूरे 22 साल बाद प्रधान दे अहुदे लई चोणां होईआं हन, ते इस चोणां तों 24 साल बाद गांधी परिवार तों बाहर दा कोई आगू देश दी सब तो पुरानी पार्टी दा प्रधान बणिआ। इस तों पहलां सीताराम केसरी गैर गांधी प्रधान चुने गए सन, ते मल्लिकार्जुन दक्खण भारत नाल संबंधित पार्टी दे 6वें प्रधान बणे गए। ते आओ हुण तुहानूं सुणा दिंदे आं कि इस चोण जित तों बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने की कुछ कहा। कांग्रेस को मजबूत किया है। मेरे साथी श्री शशि थरूर को भी शुभकामना देता हूं, क्योंकि ये चुनाव में हम एक प्रतिनिधि के रूप में हम और वो खड़े थे, लेकिन चुनाव बहुत अच्छा चला और वो भी मुझे आकर मिले। एक दूसरे से हम मिलकर अपना जो आगे पार्टी को बढ़ाने का भी जो कुछ कोऑपरेशन मैंने भी पूछा और उन्होंने भी हंसते हुए, ये तो एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, हमको मिलके काम करना है, ये कहा, तो इसलिए मुझे बड़ी खुशी होती है। उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से मैं श्रीमती सोनिया गांधी का आभार व्यक्त करता हूँ। सोनिया जी ने पर्सनल सेक्रीफाइस कर 23 वर्ष तक कांग्रेस पार्टी के अपने खून पसीने से सींचा है। सोनिया जी की लीडरशिप में न केवल हमने 2 बार केंद्र में सरकार बनाई, बल्कि अनेकों राज्यों में कांग्रेस को रिवाइव किया और राज्यों में भी सरकार उन्होंने बनाई। उनका कार्यकाल इतिहास में याद रखा जाएगा, जो इतने लंबे समय तक पूरा कार्य करके पार्टी को एक शक्ति दी। आज देश में सबसे बड़ी समस्या कमरतोड़ महंगाई यानी इन्फ्लेशन, भयंकर बेरोजगारी अनएम्प्लॉयमेंट, अमीर गरीब के बीच की खाई बढ़ते जा रही है और सरकार के द्वारा देश में फैलाई जाने वाली नफरत, देश की इन समस्याओं के खिलाफ जन आंदोलन तैयार करने के लिए पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष
श्री राहुल गांधी कन्याकुमारी से कश्मीर तक 3,570 किलोमीटर की यात्रा पर निकले हैं। आज पूरा देश उनके संघर्ष से जुड़ रहा है। मैं कांग्रेसजनों और देश के लोगों से अपील करता हूं कि देश के हित में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होकर श्री राहुल गांधी जी के कंधे से कंधे मिलाकर चलेंगे। उन्होंने मुझे एक घंटा पहले मुझसे उन्होंने कहा कि आपको अभिनंदन, आप कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं और मैं एक कांग्रेस के सिपाही के नाते काम करते रहूंगा और आगे बढ़ेंगे सब मिलके, ऐसा उन्होंने मुझसे कहा। इसीलिए मुझे बड़ी खुशी होती है कि वो पादयात्रा में रहते हुए वो अपना थोड़ा सा समय मेरे लिए उन्होंने फ़ोन पे बिताया, इसलिए मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। आज हम सबको मिलकर कार्यकर्ता के तौर पर काम करना है। यहाँ न कोई बड़ा है न छोटा, सब बराबर है। हमें देश के संविधान पर हो रहे हमले और देश की डेमोक्रेसी को ख़त्म करने की कॉन्स्पिरेसी से मिलकर लड़ना है। हमें फैसिस्ट ताकतों से लड़ना है जो कम्युनलिज्म। त्याओ हुन ग्राफिक दे जरिए दस दें कि हुन तक कौन कौन दक्षण भारत के नेता कांग्रेस पार्टी का प्रधान रह चुके हैं। सब तो पहला जेकर गल करिए पट्टाभी सीतारमैया 1948 तो लैके 49 तक दक्षण भारत न संबंधित पहले प्रधान सन। इस तो बाद नीलम संजीव रेड्डी 1960 तो लैके 1963 तक कांग्रेस के प्रधान रहे। फिर के कामराज 1964 तो लैके 1967 तक पार्टी के प्रधान रहे। फिर एस निजलिंगम्पा 1968 तो लैके 1969 तक कांग्रेस के प्रधान रहे। तो फिर पी वी नरसिम्हा राव 1992 तो लैके 1994 तक पार्टी के प्रधान रहे। तो हुण मल्लिकार्जुन खड़गे 22 साल बाद अजिहे नेता हैं जो गैर गांधी परिवार के हैं और ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी के प्रधान चुन ले गए। तो उधर गुजरात जिथे चोन माहौल पूरी तरह गरमाया होया उत्थे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गुजरात विकास कार्यों की झड़ी लगाने लगे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तरी गुजरात के बनासकाठा के दिशा च भारत पाकिस्तान सरहद के नेड़े नवे फौजी हवाई अड्डे का नींह पत्थर रखा। नींह पत्थर रखने मगरों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह देश की सुरक्षा का एक प्रभावी केंद्र बन के उभरेगा। गुजरात की राजधानी गांधीनगर च डिफेंस एक्सपो के उद्घाटन समारोह के मोदी ने की कुछ किया, आओ भी सुना दें। डेफ एक्सपो 2022 का ये आयोजन नए भारत की ऐसी भव्य तस्वीर खींच रहा है जिसका संकल्प हमने अमृतकाल में लिया है। इसमें राष्ट्र का विकास भी है, राज्यों का सहभाग भी है। इसमें युवा की शक्ति भी है, युवा सपने भी हैं, युवा संकल्प भी है, युवा साहस भी है, युवा सामर्थ्य भी है। इसमें विश्व के लिए उम्मीद भी है, मित्र देशों के लिए सहयोग के अनेक अवसर भी है। साथियों, हमारे देश में डिफेंस एक्सपो पहले भी होते रहे हैं, लेकिन इस बार का डिफेंस एक्सपो अभूतपूर्व है। एक नई शुरुआत का प्रतीक है। ये देश का ऐसा पहला डिफेंस एक्सपो है जिसमें केवल
भारतीय कंपनियां ही भाग ले रही हैं, केवल मेड इन इंडिया रक्षा उपकरण ही है। पहली बार किसी डिफेंस एक्सपो में भारत की मिट्टी से, भारत के लोगों के पसीने से बनी अनेक विध उत्पाद हमारे ही देश की कंपनियां, हमारे वैज्ञानिक, हमारे युवाओं का सामर्थ्य, आज हम लौह पुरुष सरदार पटेल की इस धरती से दुनिया के सामने हमारे सामर्थ्य का परिचय दे रहे हैं। हम काफी समय पहले करना चाहते थे, गुजरात के लोगों तो भली भांति पता भी है, कुछ परिस्थितियों के कारण हमें समय बदलना पड़ा, उसके कारण थोड़ा विलंब भी हुआ। जो विदेशों से मेहमान आने थे उनको असुविधा भी हुई, लेकिन देश के अब तक के सबसे बड़े डिफेंस एक्सपो ने एक नए भविष्य का सशक्त आरंभ कर दिया है। मैं जानता हूं कि इससे कुछ देशों को असुविधा भी हुई। साथियों, किसी भी सशक्त राष्ट्र के लिए भविष्य में सुरक्षा के मायने क्या होंगे, स्पेस टेक्नोलॉजी इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। मुझे बताया गया है कि तीनों सेनाओं द्वारा इस क्षेत्र में विभिन्न चुनौतियों की समीक्षा की गई है, पहचान की गई है, हमें इनके समाधान के लिए तेजी से काम करना होगा। मिशन डिफेंस स्पेस देश के प्राइवेट सेक्टर को भी अपने सामर्थ्य दिखाने का अवसर देगा। स्पेस में भविष्य की संभावनाओं को देखते हुए भारत को अपनी इस तैयारी को और बढ़ाना होगा। हमारी डिफेंस फोर्सेस को नए इनोवेटिव सॉल्यूशंस खोजने होंगे। स्पेस में भारत की शक्ति सीमित न रहे और इसका लाभ भी केवल भारत के लोगों तक ही सीमित न हो, ये हमारा मिशन भी है, हमारा विजन भी है। स्पेस टेक्नोलॉजी भारत की उदार सोच वाली स्पेस डिप्लोमेसी की नई परिभाषा को गढ़ रही है, नई संभावनाओं को जन्म दे रही है। इसका लाभ कई अफ्रीकन देशों को, कई अन्य छोटे देशों को हो रहा है। ऐसे 60 से ज्यादा विकासशील देश हैं जिनके साथ भारत अपनी स्पेस साइंस को साझा कर रहा है। उसी सुन रहे सी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खास तौर पर गुजरात पहुंचे हुए। तो आओ हुण वड्डी खबर वल रुख करते हैं। पंजाब पुलिस की हिरासत में फरार होए गैंगस्टर दीपक टीनू नू राजस्थान के अजमेर तो गिरफ्तार कर लिया गया। दिल्ली के स्पैशल सैल ने गैंगस्टर दीपक टीनू नू गिरफ्तार किया। सूत्रों मुताबक दिल्ली के स्पैशल सैल नू कुछ सुराग मिले सन, जिस तो बाद तकनीकी मदद नाल लैके टीनू नू गिरफ्तार करन च सफलता हासिल की है। दिल्ली के स्पैशल सैल ने दीपक नू गिरफ्तार किया, तो उसनू अजमेर के नाल लगते एक छोटे जिहे पिंड तो गिरफ्तार किया गया। पुलिस सूत्रों मुताबक उस कोलों हथियार भी बरामद होए हैं। दरअसल मरहूम नौजवान पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाले के कतल की साजिश रचन वाला गैंगस्टर दीपक टीनू पुलिस की गिरफ्त के विचों फरार हो गया सी। ते मानसा के CIA पुलिस स्टेशन के विच दीपक टीनू नू गोविंदवाल साहब की जेल तो प्रोडक्शन वर्ण से लिया होया सी। उत्थों रात 11 बजे वो फरार हो गया सी।
दीपक टीनू के फरार होने तो बाद पुलिस ने इस मसले च मानसा के सी आई ए इंचार्ज प्रीतपाल सिंह के खिलाफ भी केस दर्ज करके उसको गिरफ्तार कर लिया सी अते नौकरी तो बर्खास्त भी कर दिता सी। ते इस अफसर के नाल नाल पुलिस ने उसकी एक महिला मित्र भी गिरफ्तार किया सी। ते आओ तुहानू पहले सुना दें कि अज जदों दीपक टीनू नू दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया तो किवें सारी घटना वापरी है, किवें गिरफ्तार होया वो सुननी है। पहला 2 अक्टूबर की रात को दीपक टीनू जो कि लॉरेंस बिश्नोई गोल्डी ब्राड गैंग का काफ़ी एक्टिव मेंबर है, तो ये मानसा पुलिस की कस्टडी से एस्केप कर गया था। और उसी टाइम जब हमें पता चला था कि एस्केप हुआ है, वो वाइडली पब्लिसाइज हुई थी बात, तो स्पेशल सेल की डिफरेंट टीम्स इस पर काम कर रही थी, क्योंकि हमें पता है कि दीपक टीनू का बहुत बड़ा रोल था सिद्धू मूसेवाला इंसिडेंट में भी, और बहुत इम्पॉर्टेंट मेंबर था लॉरेंस बिश्नोई, संपत नेहरा, काला जथेड़ी काटल का। तो इस पर काफ़ी एक्सटेंसिव काम किया स्पेशल सेल की टीमों ने, और नंबर ऑफ जो नेबरिंग स्टेट्स थी इसमें लगातार एक्शन, इवन इंडो नेपाल बॉर्डर पे भी और बाकी डीप हिंटरलैंड में भी काफ़ी एक्शन हुआ। और आज हमें बड़ी सक्सेस मिली जब दीपक टीनू को केकड़ी अजमेर राजस्थान से अरेस्ट किया गया दोपहर को। इसके पोजेशन से 5 ग्रेनेड भी मिले हैं और 2 अच्छी क्वालिटी के सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल्स मिले हैं। और इसकी प्रिलिमिनरी क्वेश्चनिंग से पता चला है कि रोहित गोदारा जो कि अजरबैजान में है, और जैक जो कि अनमोल बिश्नोई का एसोसिएट है, और रोहित गोदारा जो है ये संपत नेहरा का दोस्त है, इन्होंने बाहर से बैठे बैठे इसको ये हाइड आउट्स प्रोवाइड करने में मदद करी थी। खैर तुसी देखा कि दीपक टीनू एक बार फिर पुलिस दे हत्थे चढ़ गया, हालांकि खदशा यह दिखाया जा रहा है कि वह देश तो फरार हो चुके हैं। तो हुण अगली खबर लुधियाने तो है। मुख्यमंत्री पंजाब भगवंत मान वालों इत्थे वेरका मिल्क प्लांट च दुध प्रोसैसिंग और मक्खन प्लांट का उद्घाटन किया गया। करीब 105 करोड़ की लागत नाल नवे प्रोसैसिंग प्लांट नाल दुध समर्था 5 लाख लीटर तो वध के 9 लाख लीटर हो जाएगी। मुख्यमंत्री मान ने कहा कि पंजाब हुण तरक्की दे राह ते चल पिया। तो मुख्यमंत्री ने दावा किया कि पंजाब च बहुत सारी इंडस्ट्रियां आ रही ने, तो जिस दे नाल पंजाब दे नौजवान कुड़ियां मुंडिया नूं रोजगार मिलेगा। मुख्यमंत्री ने की कुछ होर कहा वह भी तुहानूं हुण सुना दिंदे आं कि अज लुधियाणा दे विच 105 करोड़ की लागत नाल 9 लख लीटर एक दिन का दुध की प्रोसैसिंग का प्लांट जिहड़ा शुरू हो रहा है। 10 मीट्रिक टन जिहड़ा दुध है वह तो पनीर बनूगा, मक्खन बनूगा, मैं देख के आया प्लांट। सामने मेरे लिखे वेरका किसानों का अपना अदारा, पशु धन हुंदा है वरदान, खालस दुध चौखी कमाई नाले घर दी शान। तरक्की लई ज्ञान जरूरी, पशु धन लई ध्यान जरूरी, सामने लिखा होया। ये तरक्की जिहड़ी है पंजाब दी ये इदां ही होनी है, ये जनता दी हाजरी च होनी है, जनता नूं अखी डिठा गवाह बनाउणा पैणा है। क्या तुहाडे सामने काम हो रहा जी? पहलां की करदे सी, तरक्की कागजां च हुंदी सी, जनता उहदी अखी डिठी गवाह नहीं हुंदी सी, इसे करके तरक्की साडे तक पहुंची हुई नहीं, कागजां च ही रह गई। कल मैं लहरेगागे दे नेड़े पुटाल कलां, बर्वियो कंपनी है जर्मनी दी, उन्होंने एक प्लांट लाया, हैरान हो जाओगे। वो प्लांट की करता है 330 टन पराली हर रोज दी खपत करता है, ते वो पराली नाल जमा एन जिवें अपनी रूड़ी वाली खाद होंदी है उदां दी खाद बनती है, ते 33 टन बायो ऊर्जा CNG पैदा होंदी है। जानी के उन्हां दा जिहड़ा प्लांट है इंडिया दा सब तो बड़ा प्लांट है। कल मैं उत्थे गया सी, तुसीं देखिया होना बहुत सारे ने, मंत्री साहब भी आए सी सेंटर तो,
एक लाख टन पराली एक साल की चाहिए उन्होंने, 24 घंटे प्लांट चलूगा। पराली तो 20 दिन का सीजन है ना, पर वो की करनगे, उन्होंने जमीन ले ली अलग अलग जगह पर ठेके ते, वो अपनी पराली नू उते स्टोर कर लेंगे। एक लख टन पराली का मतलब है 47,000 एकड़ जिहड़ी जमीन है उहदे चों उह पराली का डक्का डक्का चक लैणगे, अग लाउण दी लोड़ नहीं पैणी। 47,000 ते मैं जदों जर्मनी गया सी मैनूं उह मिले सी, 2-3 कागजी कारवाइयां सी उह असीं ठीक करतियां। वो कहिंदे वी 10 प्लांट होर लावांगे, हुण सानूं पता लग गया कि पंजाब च सानूं कोई तंग नहीं करदा, हुण पंजाब च साढ़े तों कोई हिस्सा नहीं मंगदा। पहला इंडस्ट्रियलिस्ट आउंदा सी बाहरों पंजाब च कम करना चाहुंदा सी, बहुत सारे दी बैकग्राउंड पंजाब तो है भी चलो यार अपने पेकी जाके कम करिए, आपदे धरती नूं कुछ फायदा देइए, समाज ने अपन नूं बहुत कुछ देता आपां भी समाज नूं देइए। वो आउंदे सी MOU करन, एग्रीमेंट करन आउंदे सी पहला भी, पर वो पहला सिर्फ एक परिवार नाल MOU करन आउंदे सी। वो कहिंदे सी मैं एड्डी वड्डी फैक्टरी लाउणी है, तो मूहरों कहिंदे सी मैनू किन्ना, वो कहिंदा सी जी मैं तो जी 2000 मुंडे कुड़ियां नूं काम दे सकदा। वो कहिंदा छड्डो परे उन्हां नूं फिरदे रहण दो धक्के खांदे, तू मेरा हिस्सा दस। तां उह चले जांदे सी किते कोई होर गुजरात बद्दी मध्य प्रदेश इधर चले जांदे सी। हुण तुहानूं मैं दसदिआं खुशी महसूस कर रहा, हुण जदों इंडस्ट्री वाले आउंदे ने उह किसे परिवार नाल समझौता नहीं करन आउंदे, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 3.25 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ MOU ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਟਾਟਾ ਸਟੀਲ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਆ ਰਿਹਾ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ, ਜਮਸ਼ੇਦਪੁਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਟਾ ਸਟੀਲ ਆ ਰਹੀ, 2600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ। ਕਿੰਨੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲੂਗਾ, ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਕੰਮ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲੂਗਾ। ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਬਸ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਕੰਮ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ, ਸਾਥੋਂ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਨਾ ਮੰਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਧੱਕੇ ਨਾ ਖਾਣੇ ਪੈਣ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਆ ਜਾਓ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲਾਓ, ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 80%, 90%, 95%, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ 100%, ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਫੈਕਟਰੀ ਲਾਓਗੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇੰਪਲਾਈਜ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੀ ਲਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਅੱਜ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵੇਰਕਾ ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਤੇ ਉਧਰ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਪੱਖੀ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਨਾਅਰੇ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਇਹ ਨਾਅਰੇ ਲਿਖੇ ਗਏ। ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅੰਸਰਾਂ ਨੇ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਕੰਧ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਅਰੇ ਲਿਖੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਾਅਰੇ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹਰਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹਜੇ ਵੀ ਖੜਾ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕੌਣ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਦੀਵਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਨਾਅਰੇ ਲਿਖੇ ਗਏ ਸਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਬਠਿੰਡੇ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਗਰੂਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਸ ਫੋਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰਪੰਥਵੰਤ ਪੰਨੂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਲੀ ਦੇਵੀ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਦੀਵਾਰ 'ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਿਖੇ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ PU ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ। PU ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਘ ਦੀ ਚੋਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿੰਗ ਛੱਤਰ ਯੁਵਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮਿਤੀ ਨੇ ਜਿੱਤ ਲਈ ਹੈ।
जित प्राप्त करने तो बाद नवे चुने गए प्रधान आयुष खट्टर ने कैबिनेट मंत्री गुरमीत सिंह हेर दे नाल मिलके मुख्यमंत्री भगवंत मान नाल मुलाकात की। गलबात करदियां कैबिनेट मंत्री मीत हेर ने कहा कि पीयू च सिर्फ पंजाब ही नहीं होर सूबियां दे भी नौजवान पढ़न आउंदे ने अते उन्हां वल्लों सी वाई एस एस नूं दित्ते फतवे ने देश भर दे विच इक संदेश दिता है ते कि उह भारत नूं वंडन की राजनीति कदे भी स्वीकार नहीं करेंगे। इस तो इलावा होर की कुछ क्या आओ भी सुना लेंगे। सारे ने असी कुछ दिन पहला सीएम साहब नाल मीटिंग करके आशीर्वाद लिया सी ते उदों उन्होंने बड़ा हौसला दिता ते जिहदा मैं समझदा कि नतीजे जिहड़े है क्योंकि उस हौसले नाल पिछले 7-8 दिनों तो बड़ी मेहनत जिहड़ी साढ़े स्टूडेंट लीडर्स है उन्होंने की पंजाब यूनिवर्सिटी के जिहड़े स्टूडेंट्स है उन्होंने साथ दिता जिदे करके साडा जिहड़ा भरा आयुष छोटा भरा बहुत वड्डी जित है जिहड़ी इहदी दर्ज होई ते केवल तुसी इहनूं इह ना देखो भी आम आदमी पार्टी का जिहड़ा सी वाई एस एस का जिहड़ा स्टूडेंट विंग है वह जितया इत्थों एक बहुत वड्डा मैसेज पंजाब यूनिवर्सिटी तो पूरे देश दे विच गया क्योंकि पंजाब यूनिवर्सिटी च केवल पंजाब दे बच्चे नहीं पढ़ते इत्थे हरियाणे दे भी है हिमाचल के भी है राजस्थान के भी है यूपी बिहार की लेह लद्दाख तक तो बच्चे इतने आते हैं तो इतों के जोड़े नौजवान स्टूडेंट ने उन्होंने बड़ा क्लीयर मैसेज जोड़ा दिता है सी वाई एस एस न जिता के जोड़ा अज देश का नौजवान है वो जी मोदी जी की पार्टी की आइडियोलॉजी है जी आर एस की आइडियोलॉजी है जी इतें भी ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਨਾਰੇ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਲਹਿਰਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਧਰਮਾਂ ਤੇ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਉਸ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਸੈਕੂਲਰ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸੋਚ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਉਸ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਮੈਸੇਜ हिंदुस्तान की जी स्टूडेंट पॉलिटिक्स है वो जोड़ा वो दिता सो मैं आयुष मुबारकबाद दिना सी एम साहब ने भी मुबारकबाद दिती है तो एको गल आयुष कही है कि बिना किसी भेदभाव तो जो स्टूडेंट्स ने वादे किए है वो सारे सारे वादे पूरे करने क्योंकि जी सी वाई एस एस जी पार्टी का विंग है वो अज पार्टी वो लीडर पूरे देश इसे करके जाने जाते हैं भी ये भाई लीडर जो वादे दे पूरे है जे दिल्ली च जे दिल्ली एक मिनट जे दिल्ली च तीन बारी सरकार बनी वो एको कारण सी कि जो अरविंद केजरीवाल जी ने कहा करके दिखाया जे पंजाब तो सरकार बनी उस गल का कारण जे अज गुजरात च हिमाचल च आम आदमी पार्टी की चढ़त हो रही है वो इस करके नहीं भी साढ़े पिछे अंबानी अडानी खड़े है इस करके नहीं भी साढ़े को बहुत उसे मसल पावर है वे लोग है एको कारण है भी यार जो कहें करते हैं सो इस करके स्टूडेंट पॉलिटिक्स के आम आदमी पार्टी ने पैर रखे है सो यही छोटे भरा सी एम साहब ने कहा भी जो कहा जिन्हें वादे किए नौजवानों के नाल सारे पूरे करने हैं एक वादा इतने आके कुछ दिन पहला सी एम साहब तो क्योंकि जेडे फाइनैशियल कोई एड चाहिए वो तो जरा सी एम साहब ही कर सकते इतों आके इन्होंने कहा कि भी असी जी उसे होस्टल की जरूरत है भी बच्चे होस्टल नवा बना चाहते हैं तो सी एम साहब ने कहा वादा करो असी ग्रांट देवे तो अज भी आयुष ने कहा कि बड़ी जल्दी जोड़ा होस्टल जोड़ा वो बनना शुरू हो जूगा जेडे यूनिवर्सिटी के आर्किटेक्ट जरा जरा होर बुला के भी कितने बढ़ा गया वो जी मतलब कि होनी जी कार्रवाई शुरू कर दी उन्होंने अपने मैनीफेस्टो कदे भी जी स्टूडेंटा की मंग सी अज तक कदम पूरी नहीं की हर बार उही सेम मैनीफेस्टो उन्होंने कॉपी पेस्ट करके प्रिंट करके उ रिलीज किया हर बार आप जो छोटे मोटे काम तो पूरे साल करा लोगों के रहेंगे होस्टलों के रहेंगे तो जी वी एक सू जरूरत है यूनिवर्सिटी में इंफ्रास्ट्रक्चर की होस्टल की वोद सू सा जी पेरेंट पार्टी आम आदमी पंजाब सरकार तो मदद चाहिए सी क्योंकि फंडिंग इतने पंजाब गवर्नमेंट भी करती है तो साढ़े सी एम सरदार भगवंत सिंह जी मान उन्हों को असं रिक्वेस्ट आ इलैक्शन तो पहला भी लेके आए सी कल्ले जित जित के नहीं कि जित के असी आ हूँ रिक्वेस्ट रखी है जितने तो पहला यूनिवर्सिटी के लिए असी यह एक गिफ्ट तोहफा असी सारी पूरे स्टूडेंट कम्यूनिटी सारे देना चाहते सी कि एक नवा बॉयज़ होस्टल तो गर्ल्स होस्टल बने तो उन्होंने पहला भी एश्योरेंस दी अज भी
उन्होंने सानू पूरी अश्योरेंस दी है कि जिन्ना भी फंड लगेगा कोई एक प्रिस्क्राइब कोई अमाउंट नहीं जिन्ना भी लगेगा वो उन्हें साडे सीएम साहब सरदार भगवंत सिंह जी मान मीत हेर भाई सारे वो देने नू तैयार ने। अज पहला अक्सर गल चुकते रहे हैं कि पंजाब अपना जिहड़ा फंड हिस्से का बनता वह भी नहीं पंजाब यूनिवर्सिटी दे पाउंदी कदे तनखाह लड़के जांदे कदे कुछ लड़के ने पिछले दिनों च यूनिवर्सिटी का केंद्रीकरण तक का करन दा मुद्दा सामने आ गया उन्होंने चीज़ों को किवें टैक्ट करोगे? नहीं जी देखो केंद्रीकरण की गल करिए साडे एजुकेशन मिनिस्टर भाई मीत हेर ने विधानसभा दे विच भी कहा सी कि असी 100% फंड जिहड़ा है कि पूरी यूनिवर्सिटी पंजाब नूं सौंपी जाए इन्ना क असी हैगे कि पूरा फंड दे सकदे पुरानी सरकार है जिहड़ी उन्हां कोल खजाना खाली है इस गल तों अलावा कोई उन्हां कोल गल नहीं सी ते फंड उन्हां ने रोके हुए सी ते असी कोऑर्डिनेशन करके एक वधिया कोऑर्डिनेट करके पंजाब सरकार तो पुराना फंड भी रिलीज़ कराने की कोशिश करांगे ते नवा जिहड़ा वह भी एक रेगूलर तरीके नाल सी। ये सी पंजाब दे कैबिनेट मंत्री मीत हेर ते ये सी अज दा प्राइम टाइम कल फिर मिलांगे इसे टाइम तद तक दो मैनू इजाजत सत श्री अकाल।